उनको टाइम देंगे तो वो उतना ही आपके साथ खुलेंगे। देखो सबके बच्चे स्कूल जाते होंगे, यहाँ बच्चियाँ हैं, देखो ऐसे नहीं, आपको पता है कि इतने हफ्सी लोग, इतने ऐसा जमाना आ गया है कि तीन तीन महीने की बच्ची, मतलब नौ नौ महीने की बच्ची के साथ में डेट होते हैं। उनको तो ऐसा कुछ पता नहीं होगा, जिन्होंने छोटे कपड़े पहन लिया, छोटी ड्रेस पहन ली, कुछ बड़ा ऐसा दिखा दिया बड़ा चढ़ा के। महिलाएं ही महिलाओं को थोड़ा रोकती हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे पड़ोसी पड़ोसी को बोलेगा कि उसकी वाइफ है शॉर्ट ड्रेस में बाहर निकल जाती है, तो हमें दूसरे को समझना जरूरी है। क्या छोटे कपड़े पहनने से हमारी छोटी मानसिकता हो जाती है? नहीं होता है ऐसे। क्या हम बाहर निकलते हैं घर से, अपने विचार प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो हम क्या नाम है कहलाते हैं कि ये तो ऐसी घूमती है, ये तो ऐसी चलती है, इसको तो आदमियों बैठने की आदत है। ऐसे नहीं है, अपना विचार प्रकट करने से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, ठीक है। हम औरतों को अपने विचार रखने के लिए गलत मानसिकता से ले लिया जाता है कि ये लड़की औरतों में बैठी है या ये औरत आदमियों में बैठती है, इसकी मानसिकता ऐसी होगी। तो उस सोच को बदलना जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये है। अब मैं बात कर रही थी गुड टच और बैड टच के बारे में। आप अपनी बच्चियों को सिखाइए कि गुड टच, बेटा मैं दुकान में आप जा रहे हो, अगर आपको कोई गंदी तरीके से कहीं छू रहा है, उनको सेंसिटिव पार्ट्स के बारे में बताइए कि आपको ऐसे छूना, ऐसे छूना, ऐसे छूना गलत है, आपको कोई ऐसे नहीं छू सकता। आपको कौन छू सकता है? ऐसे मम्मा छू सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई छूता है तो वो क्या है? वो गलत है, कोई आपको ऐसे नहीं छू सकता है। अगर आप बच्चों से बात करोगे तो वो आपके सामने सब बताएंगे। इससे क्या होता है, अब आपको पता चलेगा किसी और से कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद क्या होता है, क्राइम बढ़ जाता है। आपको आज कैच कर रहा है, कल कुछ करेगा, ठीक है। उसको हमें रोकना जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये है।